नमस्कार दोस्तों, गुरु ज्ञान पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका दोस्त संतोष बिश्नोई एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज कॉलेज लेक्चरर परीक्षा का थर्ड पेपर हुआ, राजस्थान जीके का पेपर था। बहुत ही शानदार लेवल का पेपर था, बहुत ही विश्वसनीय अतुलनीय कह सकता हूं इस पेपर के लिए। इतना गजब का पेपर था, पेपर को देखने के बाद मैं मंत्रमुग्ध हो गया। दोस्तों, जो कुछ भी हमने पढ़ा था, हमने कितनी मेहनत की थी, आज उस मेहनत का रिजल्ट आपके सामने है। आर्थिक समीक्षा ने जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर धूम मचाई है, मैं थोड़ा सा ये कह सकता हूँ कि कुछ क्वेश्चन आर्थिक समीक्षा के पिछली के पूछ लिए 2019-20 के। बाकी दोस्तों बहुत ही शानदार लेवल का पेपर था। शुरू करते हैं इस वीडियो के पहले क्वेश्चन से। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। निम्नांकित में से कौन राजस्थान के मुख्य सचिव रहे? वी नारायणन, किशनपुरी, सांवलदान उज्जवल, मगराज कल्ला। दोस्तों, इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर क्या होगा? ये तीनों सही है, मगराज जी नहीं रहे थे। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर क्या हो जाएगा? ए, बी और सी। दोस्तों, उत्तर नंबर दो हो जाएगा, ए, बी, सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में कौन सा या कौन से कथन सही है? पहला ऑप्शन है, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 243 ट का मतलब क के अधीन अप्रैल 1994 में हुआ। दोस्तों, ये गलत है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये गलती हुई है, अप्रैल की बजाय जुलाई 1994 करना था, इस वजह से पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग एकल सदस्य आयोग है जिसकी अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा की जाती है। बिल्कुल सही है। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का एक सचिव है जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है, ये भी सही है। बी और सी सही है, उत्तर नंबर दो होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नांकित कथनों पर विचार करिए। दोस्तों, नगरपालिका निर्वाचन में कोई प्रत्याशी एक या अधिक वार्ड से चुनाव नहीं लड़ सकता। दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जो 3-4 वार्ड से या 2 वार्ड से चुनाव लड़ना चाहता है तो वो आवेदन कर सकता है, लेकिन दोस्तों जब आवेदन वापस लेने का दिन होता है, उस दिन यदि वो बाकी के एक को छोड़कर बाकी के आवेदन वापस नहीं लेता है तो सारे के सारे ही उसके आवेदन रद्द माने जाते हैं। इसका मतलब एक वार्ड से अधिक वो चुनाव नहीं लड़ सकता, पहला सही है। दूसरा है, नगरपालिका निर्वाचन में कोई प्रत्याशी एक वार्ड से अधिकतम 4 नाम निर्देशन पत्र दाखिल कर सकता है। बिल्कुल सही है, एक और दो दोनों सही है। इस प्रकार से उत्तर नंबर क्या होगा? दो नंबर, एक और दो दोनों सही है। अगला क्वेश्चन, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत राजस्थान के लोक अधिकारी द्वारा पर राजस्थान राज्य सूचना आयोग का आदेश बाध्यकारी होता है? दोस्तों, इसके लिए धारा है 19(7), उत्तर नंबर तीन होगा। दोस्तों, ये आदेश तो बाध्यकारी होता है, ये राज्य निर्वाचन आयोग का की अपीलीय शक्ति होती है। कौन सी पावर होती है? अपीलीय पावर बोलते हैं जिसको। दोस्तों, पांच नंबर क्वेश्चन आपके सामने, मुख्यमंत्री कार्यालय में फरवरी 2021 को यथा विद्यमान निम्नांकित में से कौन आर्थिक सलाहकार है? दोस्तों, उत्तर नंबर दो अरविंद मायाराम उत्तर होगा, पांच नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित कथनों पर विचार करिए। जन सूचना पोर्टल से सूचना पाने के लिए SSO ID जरूरी है। दोस्तों, राजस्थान में आपको याद होगा 13 सितंबर 2019 को एक जन सूचना पोर्टल जारी हुआ था और यह जन सूचना पोर्टल राज्य के सभी नागरिकों को निःशुल्क सभी प्रकार की विभागों की जो सेवाएं होती है, जानकारियां होती है, सूचनाएं जो होती है, उनकी जानकारी निःशुल्क उपलब्ध कराता है ये पोर्टल। इसमें दोस्तों SSO ID की जरूरत नहीं होती, तो इस प्रकार से पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है, जन सूचना पोर्टल के माध्यम से ई मित्र की सूचना पाने का कोई शुल्क नहीं है। बिल्कुल दोस्तों, कोई शुल्क नहीं है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 4 केवल 2 होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नांकित में से क्या राजस्थान संपर्क में सुशासन के आयाम के रूप में गलत चिन्हित है? दोस्तों, राजस्थान संपर्क एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर पूर्ण पारदर्शिता के साथ राजस्थान में शिकायतों का निवारण होता है।
दोस्तों इन चारों शब्दों में से कौन सा शब्द गलत है? उत्तर नंबर दो, ट्रस्ट शब्द गलत है, बाकी सारे सही है। दोस्तों पूर्ण पारदर्शिता, ठोस सेवा प्रदान प्रणाली अर्थात रोबोट डिलीवरी सिस्टम, शिकायत निवारण, नागरिकों के प्रति संवेदनशीलता, संचार, ये बहुत सारे बिंदु हैं जो राजस्थान संपर्क के हैं। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर दो होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के कार्यक्षेत्र में सभी प्रकार के वे मानवाधिकार आते हैं जो शामिल होते हैं। नंबर एक, नागरिक और राजनीतिक अधिकार। नंबर दो, आर्थिक अधिकार। नंबर तीन, सामाजिक और राजनीतिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार। दोस्तों ये तीनों ही सही है, उत्तर नंबर तीन, ए बी सी सारे सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जनगणना 2011 के अनुसार भारत एवं राजस्थान में कुल श्रमिकों में सीमांत श्रमिकों का प्रतिशत क्रम से क्या है? दोस्तों ये क्वेश्चन डिलीट होगा। क्यों डिलीट होगा? क्योंकि जनगणना 2011 के अनुसार दोस्तों भारत में कुल जो श्रमिक है भारत में, उन श्रमिकों में से सीमांत श्रमिक जिनको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, मार्जिनल वर्कर्स कहते हैं, इनका प्रतिशत है 22.18%। जबकि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के कुल जो श्रमिक है, इन श्रमिकों का 26.63% मार्जिनल वर्कर्स है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन डिलीट होगा, इसमें चारों के चारों ही गलत है, ठीक है? तो आपको याद रखना ये क्वेश्चन डिलीट जाएगा, ठीक है? तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत एवं राजस्थान में कुल श्रमिकों में सीमांत श्रमिकों की संख्या, यानी भारत में कुल श्रमिक कितने हैं, 40.22 करोड़ है, यानी 40.22 करोड़, और जिनमें सीमांत श्रमिक है 8.92 करोड़। तो दोस्तों 8.92 तो सीमांत श्रमिक है और कुल श्रमिक है 40.22, यानी 40.22 करोड़। तो उसमें से आप भाग दे करके निकालोगे तो 22.18% आएगा, जो ये डाटा नहीं है। और राजस्थान की बात करें तो दोस्तों राजस्थान में जो श्रमिक है, टोटल श्रमिक है वो है 2.37 करोड़, ठीक है? और जिसमें से 63,29,000 ये सीमांत श्रमिक है। तो दोस्तों 63.29/2.37 करोड़, ये तो है लाख, ये है करोड़। दोस्तों इसमें आप यदि प्रतिशत निकालेंगे तो इसका उत्तर आएगा 26.63% राजस्थान में। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन डिलीट जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात प्रचलित कीमतों पर 2018 में क्या था? दोस्तों आर्थिक समीक्षा 2019-20 का क्वेश्चन है, पिछले साल की आर्थिक समीक्षा का क्वेश्चन है। दोस्तों ये मेरे को लगता है जनवरी फरवरी में ही पेपर बन चुका था, है ना? तो ये तब का पेपर है, जनवरी के बाद, माफ़ी चाहूँगा, फरवरी में बना होगा पेपर, है ना? क्योंकि 30 जनवरी को जो महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना है उसका दूसरा चरण शुरू हुआ, तो वो इसमें वह ऑप्शन में है। तो मुझे लगता है फरवरी के लास्ट तक पेपर बना होगा। दोस्तों 2019-20 की बात करें आर्थिक समीक्षा की, तो राजस्थान के अंदर दोस्तों हमारा भारत के अंदर, क्योंकि सकल भारतीय सकल राज्य घरेलू उत्पाद में राजस्थान की बतानी है, तो दोस्तों इसमें से क्वेश्चन का उत्तर नंबर दो होगा, 4.96%। दोस्तों ये तो है, किस वर्ष में पूछा है, 2018 में, यानी एक प्रकार से इसने पूछा है 2018-19 में, और 2018-19 में तो कितना है, 4.96%। और यदि ये पूछ लेता 2019-20 में तो हम बताते 4.99%, ठीक है? ये बात आपको याद रखनी थी। तो इस प्रकार से 10 नंबर क्वेश्चन का उत्तर नंबर दो हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल महिला प्रचालित भूमि जोतों की संख्या, उत्तर नंबर एक बिल्कुल सही है, 7,75,000, बिल्कुल दोस्तों ये सही है। और हमारे राजस्थान में कुल यदि जोतों की संख्या बात करें तो 76,55,000 है, और महिला कितनी है, 7.75 लाख बोल सकते हो या 7,75,000 बोल सकते हो। 11 नंबर क्वेश्चन का उत्तर नंबर एक होगा। अगला क्वेश्चन है, भू उपयोग सांख्यिकी 2017-18 के अनुसार राजस्थान में वानिकी का क्षेत्र, दोस्तों ये बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को मैंने कितनी बार बताया है, दोस्तों ये सारे के सारे आंकड़े लगभग मैं बता चुका हूँ। इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर दो, 8.04% होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार स्थिर कीमतों पर राजस्थान के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2019-20 में कृषि एवं संबंध क्षेत्र की वृद्धि दर बताओ। दोस्तों सबसे पहले तो देखो स्थिर कीमतों पर पूछी गई है, और आर्थिक समीक्षा 2019-20 की बात हो रही है, ठीक है? और किसके बारे में पूछ रहा है, कृषि और संबंध क्षेत्र।
दोस्तों कृषि और संबंध सेवा क्षेत्र की तो है, सॉरी कृषि और संबंध क्षेत्र की 5.65% वृद्धि दर, और उद्योग की है 1.98% और सेवा की है 6.89%। दोस्तों ये आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार है, स्थिर कीमतों पर है और तीनों क्षेत्रों का योगदान मैंने वृद्धि दर बताई है। कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर है 5.65, उद्योग की 1.98, सेवा की 6.89। तो इस प्रकार से दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 4 हो जाएगा, 5.65%। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना राजस्थान में 2018-19 के अंतर्गत निम्न में से लागू की गई। दोस्तों आपको याद रखना है कि राजस्थान के अंदर किसानों को बीज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बीज स्वावलंबन योजना की शुरुआत 2017 में हुई थी। तत्कालीन प्रभुलाल सैनी जो हमारे राजस्थान के कृषि मंत्री थे, उन्होंने ये लॉन्च की थी कोटा से। दोस्तों ये कोटा, भीलवाड़ा और उदयपुर से लॉन्च हुई थी 2017 में, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है 2018-19 का, तो इसका उत्तर होगा ये, राजस्थान के 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में 2018-19 में शुरू हो चुकी है, जबकि शुरुआत में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इन 3 जिलों में शुरू हुई थी। हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 4 होगा, राज्य के 10 कृषि जलवायु खंडों में। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन मैंने आर्थिक समीक्षा में आपको कराए थे, क्यों दोस्तों, सच बताना ईमानदारी से, बाजार में सबको बताओगे आज के बाद कि केवल और केवल गुरु ज्ञान पब्लिकेशन एकमात्र ऐसा स्टैंड है, एकमात्र ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पर सारी चीज़ें मिलती है। दोस्तों आपकी सिलेक्शन की, यदि पूरी की पूरी आपका सिलेक्शन श्योर है, क्योंकि आज का पेपर बड़ा गजब का था, बहुत ही शानदार पेपर था, और मुझे विश्वास है कि आपके इस पेपर में 60-70 क्वेश्चन आराम से सही है। चलिए, क्योंकि दोस्तों पेपर डीएल में डेटाबेस था तो थोड़ा मैं हार्ड भी मान सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है, ईजी नहीं था ज़्यादा। चलिए दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। दोस्तों इस क्वेश्चन का सीधा उत्तर लिए चलता हूँ, तकली कोटा जिले में और गरदड़ा बूंदी में है, यही उत्तर होगा 15 नंबर क्वेश्चन का उत्तर नंबर 3। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, रिको ने अलवर जिले के किन औद्योगिक क्षेत्रों में जापानी जोन स्थापित नहीं किए हैं। क्या क्वेश्चन है, नहीं किए हैं, नीमराणा में है, थानागाजी में नहीं है, उत्तर नंबर 2 होगा, इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 2 होगा। बाकी दोस्तों नीमराणा और गिलोट सही है, गिलोट भी सही है, तो ये तो बाकी में रिपीट हुए हैं, तो इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का वित्त वर्ष 2018-19 में कुल निर्यात कितना है। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है दोस्तों, आर्थिक समीक्षा 2019-20 में से क्वेश्चन आया है, पिछले साल की आर्थिक समीक्षा का क्वेश्चन है, और ये कहती है कि 2018-19 में कुल निर्यात कितना हुआ, उत्तर नंबर 1 होगा, 51,178.41 करोड़। जबकि दोस्तों 2019-20 में कितना हुआ, आर्थिक समीक्षा 20-21 के अनुसार मैंने आपको पढ़ा रखा है, 49,946.10 करोड़। ठीक है, तो ये तो है दोस्तों 2020-21 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार, और 19-20 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2018-19 का निर्यात है, ये एक नंबर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में भेड़ प्रजनन सुधार कार्यक्रम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। दोस्तों इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, चयनित प्रजनन के अंतर्गत मारवाड़ी जैसलमेरी मगरा भेड़ नस्ल का चयन किया गया है, यही उत्तर है दोस्तों, पहला ही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का। आगे है, चयनित प्रजनन के अंतर्गत जैसलमेरी एवं सोनाड़ी भेड़ नस्ल का चयन किया गया, क्रॉस प्रजनन के अंतर्गत मगरा मालपुरा भेड़ नस्ल का चयन किया गया, चयनित प्रजनन के अंतर्गत नाली एवं चोकड़ा भेड़ नस्ल का चयन किया गया, इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 1 होगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, ये 19 जो नंबर क्वेश्चन है बड़ा गजब का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के बारे में आपको बहुत ही अच्छी बात मैं बता सकता हूँ। दोस्तों राज्य स्तरीय एक अभियान है संवाद प्रोग्राम। दोस्तों ये संवाद प्रोग्राम है ना, वैसे तो ये मूल रूप से केंद्र सरकार का प्रोग्राम है, लेकिन इसने बोला है कि राज्य स्तरीय अभियान। दोस्तों 2015 में और 17 में राजस्थान के अंदर विद्यालयों के प्रमुख और सभी शिक्षा अधिकारियों के बीच में संवाद कार्यक्रम हुआ था, एक। दूसरी बात है दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री केयर फंड जो है, उस फंड से रिलेटेड राज्यों के बीच में संवाद हुआ था अस्पतालों के प्रमुख और सभी स्वास्थ्य अधिकारियों के बीच। इसके बाद हम बात कर सकते हैं दोस्तों, जून 2021 में हमारे राजस्थान के अंदर जन सहभागिता बढ़ानी है वैक्सीनेशन में, यानी राजस्थान में वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए, वैक्सीनेशन बढ़ावा देने के लिए, जन सहभागिता को बनाए रखने के लिए स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद कार्यक्रम किया था, धार्मिक गुरुओं के साथ, एनजीओज के साथ, लेकिन दोस्तों ये कार्यक्रम किया था जून 2021 में, जबकि पेपर पहले बन चुका है, तो ये तो नहीं होगा। और सभी जिलों के डीआईजी, दोस्तों ये भी नहीं होगा,
ठीक है। एक कार्यक्रम दोस्तों संवाद हो रहा है किसानों के साथ, संवाद 28 से 30 दिसंबर 2020 को, सभी किसानों के साथ 28 से 30 दिसंबर 2020 को राजस्थान के मुख्यमंत्री ने किसानों के साथ संवाद किया था, तो ये भी है। तो दोस्तों यहाँ मैं मुख्यतः मान सकता हूँ कि अस्पतालों के प्रमुख और सभी स्वास्थ्य अधिकारी, मैं इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर ये दूंगा क्योंकि प्रधानमंत्री केयर फंड को लेकर के संवाद प्रोग्राम हुआ था ना, वो इम्पोर्टेंट मानूंगा मैं इन तीनों चारों में, ठीक है। चलिए दोस्तों, फिर भी दोस्तों यदि कोई डाउट है आपके दिमाग में, कोई चल रहा है, कुछ आपको ऑथेंटिक न्यूज़ मिली है, आप मुझे देख भेज देना मेरे इसी व्हाट्सअप नंबर पे, मैं एक बार चेक कर लूँगा, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना से संबंधित है, विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं को पेंशन। दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर एक ही होगा। अगला क्वेश्चन है, 1 फरवरी 2019 को राजस्थान में चालू की गई मुख्यमंत्री युवा संबल योजना निम्न में से संबंधित है, कौशल विकास, कंप्यूटर ट्रेनिंग, बेरोजगारी भत्ता, युवाओं के लिए लोन। दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर तीन होगा, बेरोजगारी भत्ता। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर के अंतर्गत राजस्थान का कौन सा निवेश क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र है, निवेश क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र स्थित है। दोस्तों जोधपुर, पाली, मारवाड़, ये निवेश क्षेत्र नहीं है, औद्योगिक क्षेत्र है। मुंडावर, तिजावर, जोधपुर, पाली, मारवाड़, ये भी गलत है। मुंडावर, नीमराणा औद्योगिक क्षेत्र, ये भी गलत है। इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर चार, खुसखेड़ा, भिवाड़ी, नीमराणा होगा, उत्तर नंबर चार होगा। अगला क्वेश्चन है, समग्र शिक्षा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। दोस्तों एक बात बताऊं क्या, आप अपने अंतर्मन से एक बात बोलोगे आज, आपको आपकी जो इतने दिन तक आपने मेहनत की और मैंने आपको दिन रात एक करके जो मैटर दिया, आपको उसकी कसम है मैंने जो दिया वहाँ से क्वेश्चन आए एक नहीं आए, कमेंट्स बॉक्स में बताओगे यदि दोस्तों, क्योंकि आप यदि आज ये बात सच बोल दोगे, मैंने जो बताया है, मैंने जो पढ़ाया उसमें से क्वेश्चन आए एक नहीं आए। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन पढ़ा रखे हैं मैंने, चेक कर लो आर्थिक समीक्षा, कुछ भी नहीं छोड़ा मैंने, फिर भी यदि गलत करके आ गए तो देख लेना, और कमेंट्स बॉक्स में आज ये बात नहीं लिखी ना तो देख लेना, आज के बाद मैं आपका कोई जवाब नहीं दूंगा। जो टॉपिक आपने मांगा वो मैंने पढ़ाया और मैंने आपके लिए दिन और रात एक किया था। मुझे याद है रात को 2-2 बजे तक मैं नहीं सो पाता था, तब जाकर के ये मैटर तैयार हुआ था। और अभी आपका फर्ज बनता है कि आप कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, हमारे प्ले स्टोर पर जाकर गुरु ज्ञान पब्लिकेशन के ऐप पर स्टार रेटिंग देंगे, ये आपको विद्या की कसम है, आपको बड़े भाई की कसम है, क्योंकि दोस्तों आपको मेहनत करने के लिए जो चीज़ें चाहिए थी आपको इस एग्ज़ाम के लिए वो मैंने दी थी, नहीं दिए तो आप चेक कर लो, देख लो दोस्तों यही क्वेश्चन था, ये भी पढ़ाया हुआ है, चेक कर लो, ये भी पढ़ाया है दिल्ली मुंबई ऑडियो, ये भी पढ़ाया है मुख्यमंत्री युवा संबल, ये एकल नारी तो कल परसों रात को ही पढ़ाया है, देख लो दोस्तों ये सारे पढ़ाए हुए हैं, दिल्ली मुंबई ऑडियो, ये समग्र शिक्षा भी पढ़ा रखा है। ये के भारत सरकार का फ्लैगशिप प्रोग्राम है, इसका उद्देश्य प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण है, इसका उद्देश्य स्कूल शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक अंतराल को कम भरना है। दोस्तों इस ये चार नंबर उत्तर होगा, ये गलत पूछा है इसने, क्योंकि राजस्थान सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम नहीं है, ये केंद्र सरकार का है, तो इस प्रकार से 23 नंबर क्वेश्चन का उत्तर नंबर चार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, खाद्य सुरक्षा भी मैंने पढ़ाया बहुत ही गजब का, देखें खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान के 21 जिले में जनजाति के प्रत्येक परिवार को 35 किग्रा गेहूँ नहीं दिया जा रहा, 12 में सहरिया, भीलवाड़ा में मीणा, उत्तर नंबर दो होगा, उदयपुर में खेरवा, 12 में कथौड़ी इनको मिलता है, भीलवाड़ा मीणा होगा, 24 नंबर क्वेश्चन का उत्तर नंबर दो। पिछवाइयाँ, हस्तशिल्प कला, दोस्तों बाड़मेर, बगरू, जयपुर, नाथ द्वारा, उत्तर नंबर चार नाथ द्वारा। टसर, दोस्तों ये मैंने पढ़ा रखा है, बांस को टसर उदय, ये मैंने पढ़ा रखा है, बांस को टसर, बांस का मतलब बांसवाड़ा, को का मतलब कोटा, उदय का मतलब उदयपुर, और टसर कार्यक्रम कृत्रिम रेशम का कार्यक्रम है। दोस्तों मैंने मेरे वीडियो में कम से कम बताया होगा 20 बार ये चीज़ बताई है। दोस्तों उत्तर नंबर दो, 26 नंबर क्वेश्चन का उत्तर नंबर क्या हो जाएगा, दो नंबर, यानी कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा जिले, उत्तर नंबर दो हो जाएगा। आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा जारी राजस्थान SDG स्टेट्स रिपोर्ट 2020 के अनुसार किस जिले को प्रथम रैंक प्राप्त हुई है, झुंझुनू को प्रथम रैंक प्राप्त हुई है, झुंझुनू ने सबसे ज़्यादा 69.66 अंक प्राप्त करके पहला स्थान प्राप्त किया है, जयपुर का दूसरा नंबर है, ठीक है। मुख्यमंत्री राजश्री योजना, ये तो कल परसों रात को ही कराई थी, मुख्यमंत्री राजश्री योजना, दोस्तों राजस्थान में होने वाले निर्यात को बढ़ावा देने के लिए गलत है,
समाज में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को विकसित करना, यही उत्तर है 28 नंबर क्वेश्चन का। उत्तर नंबर दो, 29 नंबर क्वेश्चन, इंदिरा गांधी, दो दिन पहले ही कराई है, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार द्वारा दूसरी बार गर्भधारित महिला को कितनी राशि दी जाती है? 6000 रुपए, उत्तर नंबर चार होगा। अगला क्वेश्चन, केंद्र द्वारा जारी किए गए निर्भय कोष का पूरा उपयोग करने में देश में राजस्थान राज्य ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। दोस्तों कौन सा स्थान प्राप्त किया है? पहला। 30 नंबर क्वेश्चन का उत्तर नंबर एक होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में डेयरी किसानों के लिए पहला पूरी तरह से स्वचालित डायरेक्ट पेमेंट प्लेटफॉर्म, दोस्तों चार ऑप्शन है, इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर दो मूपवे होगा। मूपवे दोस्तों IIT मद्रास का स्टूडेंट है जिसने स्टार्टअप खड़ा किया है और उसने मूपवे नामक ये डिजिटल प्लेटफॉर्म, पेमेंट प्लेटफॉर्म बनाया है। उत्तर नंबर दो होगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के 50,000 लोगों को 4% के ब्याज की दर पर कितनी राशि का ऋण प्रदान करने के लिए सुंदर सिंह भंडारी स्वरोजगार योजना 2021 की घोषणा की है? दोस्तों उत्तर नंबर दो 50,000 होगा। 32 नंबर क्वेश्चन का उत्तर नंबर दो होगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नागर समाज संगठन कोविड महामारी के दौरान प्रवासी श्रमिकों को सेवाएं, समर्थन, सुरक्षा प्रदान करने के लिए चर्चा में आया? इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर एक आजीविका ब्यूरो होगा। उत्तर नंबर एक बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है बड़ा गजब का दोस्तों, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? कौन सही है? इस योजना का नवीन चरण 30 जनवरी 2021 को लागू हुआ, बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है, योजना से जुड़े सरकारी और निजी अस्पतालों में निःशुल्क इलाज किया जाता है, बिल्कुल सही है। सामान्य बीमारी के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 50,000, बिल्कुल सही है। चौथा ऑप्शन गलत है, क्योंकि दोस्तों गंभीर बीमारी के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख नहीं है, 4.5 लाख है, 4.5 लाख। तो डी ऑप्शन को काटो, जहां जहां डी है काट दो। देखो इस भाई ने काट रखा डी, डी ये दोनों कट गए, तो इस प्रकार से ए बी और सी उत्तर नंबर तीन हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा स्माइल कार्यक्रम, दोस्तों ईमानदारी से अंतरात्मा की आवाज से बताना, मैंने कराया कि नहीं है कराया सारी चीजें। अब यदि आप झूठ बोल गए ना, देख लेना मैं कभी जिंदगी में इतना अच्छा नहीं पढ़ाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। दोस्तों रियल बता रहा हूं, ईमानदारी से बता रहा हूं, इतना गजब का मैटर राजस्थान में कोई दे नहीं सकता, आपको पता है। दोस्तों मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप लोग कमेंट्स में लिखो ये बात, और कमेंट्स में लिखने के बाद आप अपने छोटे भाई बहनों को सबको बताओ कि राजस्थान में केवल और केवल एकमात्र प्लेटफॉर्म है जो आपका सिलेक्शन कराएगा। दोस्तों इतना कोई मैटर दे सकता है? किसी की औकात है क्या बाजार में? आपको पता है, सबको जानते हो आप, सब आपको बनाते हैं दोस्तों, गुमराह करते हैं। और भीड़ जो नए छोरे छोरियां आते हैं ना पढ़ने के लिए, उनको आकर्षित करने का तरीका है बस। जिसने अच्छे ढंग से 2-3 साल तैयारी कर ली है, उनको वो लोग गुमराह नहीं कर सकते। वो तो लोग मेरे पास आएंगे ही, अपने बड़े भाई के पास आएंगे। दोस्तों बुरा मत मान जाना मैंने कुछ बोला है, तो जो मैंने मन में आया वो सच बोला है, और जब मैं ऐसे बोलता हूँ तो समझ जाना गुरुजी एकदम सच बोल रहा है। चलिए दोस्तों, स्माइल प्रोजेक्ट, दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यार्थियों को निःशुल्क पुस्तकों को नहीं देनी। विद्यार्थियों के, देखो लॉकडाउन अवधि के दौरान विद्यार्थियों को घर से सीखने की सुविधा व्हाट्सएप आधारित ग्रुप बना करके स्टडी मटेरियल बच्चों के घर तक भेजना था दोस्तों, यही उत्तर होगा, उत्तर नंबर दो। तीसरा और चौथे में भोजन देने की बातें, गलत है, उत्तर नंबर दो होगा दोस्तों। 35 में, 36वां, राजस्थान से साहित्य और शिक्षा हेतु वर्ष 2021 में पद्मश्री पुरस्कार, दोस्तों मैंने पढ़ाया था ना, और मैंने बताया था पद्म भूषण पढ़ाए थे तब, पद्म भूषण, विभूषण और पद्मश्री, मेरे को रट के जाना रे छोरो आएगा, ये देख लो। अर्जुन सिंह शेखावत उत्तर करना है साहित्य और शिक्षा के लिए, ठीक है, जबकि पालीवाल ने तो पर्यावरण संरक्षण और समाज सेवा के लिए काम किया। लाखा खान मांगे, वो जो है आपके लोक कलाकार है, सारंगी के वादक। हमारे 36 नंबर का उत्तर नंबर दो होगा। 37 नंबर है डेजर्ट नाइट, जोधपुर उत्तर होगा दोस्तों, उत्तर नंबर दो होगा जोधपुर। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, राजस्थान सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत दूध का संबंध किस जिले से है? दोस्तों यहाँ पर दूध का संबंध धौलपुर से है, जबकि दूध के उत्पाद पाली है, जबकि जयपुर में इंजीनियरिंग उत्पाद है। हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर दो धौलपुर होगा। महाकवि कन्हैयालाल सेठ या पुरस्कार 2020 दोस्तों अरविंद कृष्ण को मिला है, उत्तर नंबर एक होगा। 39 नंबर क्वेश्चन का उत्तर नंबर एक होगा दोस्तों, क्या होगा? उत्तर नंबर एक। चलिए,
राजस्थान के निम्नलिखित शहरों में से किसे हाल ही में यूनेस्को विश्व विरासत का दर्जा मिला है? दोस्तों बताने की आवश्यकता ही नहीं है, उत्तर नंबर एक जयपुर होगा। भारत और पाकिस्तान सीमा के पास गोटारू गांव में एक अनूठा पार्क विकसित किया जा रहा है, यह गांव राजस्थान के किस जिले में है? दोस्तों उत्तर नंबर एक जैसलमेर होगा। मैंने ये चीज़ आर्थिक समीक्षा में कराई थी, जब मैं राजस्थान में पेट्रोल और गैस वाला टॉपिक पढ़ा रहा था मैं गोटारू के बारे में आपको बता रहा था, मैंने सागढ़ के बारे में बताया था, तब मैंने गोटारू की चर्चा की थी। दोस्तों उत्तर नंबर एक देखो। 42 नंबर है, नंद किशोर आचार्य को 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार, उत्तर नंबर एक छीलते हुए अपने को, उत्तर नंबर एक होगा। 42 नंबर है, हाल ही में पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर का निदेशक किरण सोनी गुप्ता को बनाया, उत्तर नंबर एक होगा। दोस्तों 44 नंबर क्वेश्चन है, 2021-22 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में राजस्थान ने किस राज्य को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया? उत्तर नंबर तीन बिहार होगा। दोस्तों बिहार होगा, जनवरी 2021 में यह टूर्नामेंट हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राजस्थान में निम्न में से किस जिले में शहद उत्पादन के लिए किसान उत्पादक संगठनों का शुभारंभ किया? दोस्तों कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने देश के 5 राज्यों में ये FPO शुरू किया था, जिसमें राजस्थान राज्य भी शामिल था और राजस्थान का भरतपुर जिला शामिल था। 45 नंबर क्वेश्चन का उत्तर नंबर चार हो। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने ओलंपिक एशियाई राष्ट्रमंडल खेलों का नकद इनाम बढ़ाने का निर्णय लिया, अब ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले को कितनी राशि दी जाएगी? दोस्तों मैंने ओलंपिक खेल पढ़ाए थे, मैंने आपको बताया था कि राजस्थान सरकार ने ओलंपिक के लिए 3 करोड़, स्वर्ण के लिए 3 करोड़, रजत के लिए 2 और कांस्य के लिए 1। अभी मैंने आपको यह भी बताया था अवनी लखेरा को 3 करोड़ 1 मिले थे, 1 करोड़ 1 मिले थे, 4 करोड़ रुपए अवनी को मिले थे, तो 3 करोड़ तो गोल्ड मेडल के लिए, उत्तर नंबर 2। राजस्थान के किस जिले में विश्व के 3rd सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का? दोस्तों जयपुर के अंदर चौंप गांव में, उत्तर नंबर 2 होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा श्रेष्ठ खेल प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला अवार्ड कौन सा है? दोस्तों हमारे राजस्थान में यदि कोच को, जो कोच होते हैं ना स्पोर्ट कोच, उनको दिया जाता है गुरु वशिष्ठ अवार्ड, जबकि केंद्र सरकार देती है द्रोणाचार्य अवार्ड। 48 नंबर क्वेश्चन का उत्तर नंबर 1 होगा। 49 नंबर है, करमसोत कुल निम्न में से कौन से राजवंश से संबंधित है? दोस्तों जोधपुर के राठौड़ वंश से संबंधित है, उत्तर नंबर 2 होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन आमेर के शासक मानसिंह प्रथम के संरक्षण में था? नंबर 1 नरोत्तम कवि, नंबर 2 कुलपति मिश्र, नंबर 3 बिहारी, नंबर 4 जगन्नाथ। दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 4 जगन्नाथ होगा। जगन्नाथ वो व्यक्ति है जिसने दोस्तों एक रचना लिखी थी जिसका नाम है मानसिंह कीर्ति मुक्तावली, ठीक है, तो इस प्रकार से उत्तर नंबर 4 होगा। अलाउद्दीन का सेनानायक जो रणथंबोर अभियान के दौरान मारा गया, नुसरत खान मारा गया था, दोस्तों उत्तर नंबर 4 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से स्थल राजस्थान में लघु पाषाण युगीन संस्कृति से संबंध है? दोस्तों केवल और केवल गणेश्वर छोड़ना है, बाकी सारे सही है, गणेश्वर के अलावा सारे के सारे ही माइक्रोलिथिक कल्चर के हैं, सोजत धनेरी तिलवाड़ा, दोस्तों ये सारे के सारे उत्तर सही होगा। इस प्रकार से 52 नंबर क्वेश्चन का उत्तर नंबर 2 हो जाएगा, 1, 2, 3 सारे सही है, ठीक है। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वैष्णव संप्रदाय नहीं है? दोस्तों वैष्णव संप्रदाय नहीं है, दोस्तों निम्बारक संप्रदाय, निष्कलंक और वल्लभ, ये तीनों वैष्णव है। लालदासी संप्रदाय, दोस्तों हम सब जानते हैं कि गद्दन चिश्ती जो इनके गुरु थे और मेव संप्रदाय के थे ये खुद लालदास जी, और नगला गांव भरतपुर में इनकी प्रमुख पीठ है, लालदासी संप्रदाय, उत्तर नंबर 3 होगा। दादू पंथ में नागा उप संप्रदाय के प्रवर्तक रजब जी, मलुकदास, सुंदरदास, गरीबदास, उत्तर नंबर 3 सुंदरदास होगा। अगला क्वेश्चन है, उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार से लोक देवता रामदेव जी से संबंधित नहीं है। दोस्तों रूणीचा, मसूरिया, पोकरण, तीनों सही है, बनेड़ा उत्तर होगा। 55 नंबर क्वेश्चन का उत्तर नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, उन दो राजपूत नेताओं को पहचानिए जिन्होंने मालदेव के विरुद्ध शेरशाह से गठजोड़ किया। दोस्तों 1544 में गिरिशमेल का युद्ध हुआ, ये युद्ध हुआ था शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच, लेकिन दोस्तों आपको याद होगा 1541 के अंदर पाहेबा का युद्ध हुआ था जिसमें मालदेव ने बीकानेर के राजा जैत सिंह को मार दिया था। जैत सिंह मर गया, तो जैत सिंह मर गया सल्ट गया, ये देखो ये मर गया, ये मर गया, तो ये दोनों ऑप्शन खत्म हो गए। और जैत सिंह से पहले था राव लूणकर्ण, तो लूणकर्ण का तो इस दौरान कोई था ही नहीं, तो इस प्रकार से दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 2 हो जाएगा, ब्रह्मदेव और राव कल्याणमल, क्योंकि दोस्तों जैत सिंह का बेटा था कल्याणमल और इसने अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए ब्रह्मदेव के साथ मिलकर के शेरशाह सूरी से गठजोड़ किया था। 56 नंबर क्वेश्चन का उत्तर नंबर 2 होगा। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सीकर कृषक आंदोलन से संबंधित नहीं था? रामनारायण थे और मास्टर चंद्रभान थे, हरि ब्रह्मचारी थे, नैनू राम शर्मा उत्तर होगा। 57 नंबर क्वेश्चन का उत्तर नंबर 3 नैनू राम शर्मा। उन राजनीतिक कार्यकर्ताओं को चिन्हित कीजिए जिन्होंने नागरिक स्वतंत्रताओं के लिए अपने प्राण उत्सर्ग किए। बालमुकुंद बिस्सा, सागर मल गोपा, ये दोनों सही है, बाकी सारे गलत हैं। रमेश स्वामी नहीं होगा, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु या शर्मा भी नहीं होगा। एक और दो के हिसाब से 58 नंबर क्वेश्चन का उत्तर नंबर 1 होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कहां मेहराब खान ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? दोस्तों 59 नंबर क्वेश्चन का उत्तर नंबर 2 होगा, कोटा। मेहराब खान रिसालेदार थे कोटा, उत्तर नंबर 2 होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शैली में मध्यकालीन साहित्य रचना रसराज को चित्रण के विषय के रूप में प्रयुक्त किया है? दोस्तों आपने यदि मेरा वीडियो देखा है तो मैंने रसराज, ये सारे के सारे राजस्थान की इतिहास कला संस्कृति का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मेरे वीडियो से बाहर गया हो। राजस्थान की ज्योग्राफी का भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो मेरे वीडियो के बाहर गया हो। दोस्तों यदि आपने वीडियो और आर्थिक समीक्षा और राजस्थान की सबसे सुपर डुपर पूर्णतः विश्वसनीय और राजस्थान की एक नंबर की टेस्ट सीरीज जिसने आग लगा दी पूरे राजस्थान में, आज आप सबको पता है दोस्तों, आपको इस बात का पता है, एहसास है कि टेस्ट सीरीज ने क्या धमाका मचाया है राजस्थान में। अब आपका फर्ज बनता है कि आप कमेंट्स में ये बात लिखो प्लीज़। चलिए दोस्तों 60 नंबर क्वेश्चन, उत्तर नंबर 4 मारवाड़ होगा। 61 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्ववाद्य नहीं है? रब्बाज तत्ववाद्य है और कामायचा भी है, जंतर भी है, अलगोजा सुशीर वाद्य यंत्र है। दोस्तों मैं बार बार आपको कहता हूँ कि प्लीज़ आप शेयर कर दें, प्लीज़ आप कमेंट्स लिखें, लोगों को बताएं। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दोस्तों राजस्थान में इतनी अच्छी तरीके से कंटेंट कोई उपलब्ध नहीं कराता, ये आपको पता है। कोई दूसरा बढ़ाई ना करे तो खुद को बढ़ाई कर लेनी चाहिए, कोई दूसरा प्रचार प्रसार ना करे तो खुद को अपना प्रचार कर लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों यही मेरा तरीका है, आपको बुरा लगे तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे, आज मैं क्षमा मांग सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका फर्ज बनता है दोस्तों शेयर करने का, लोगों को बताने का और प्ले स्टोर पर जाकर स्टार रेटिंग देने का और आज के इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स बॉक्स में लिखने का, ये आपका फर्ज है। इसमें अलगोजा होगा दोस्तों। 62 नंबर है, किस लोक नृत्य में पुरिया को नृत्य का मुख्य पात्र माना गया है? दोस्तों पुरिया वालर मांदल भवाई राई राई नृत्य, जिसे गवरी नृत्य भी कहते हैं, उत्तर नंबर 4 होगा। दोस्तों मेवाड़ क्षेत्र में होता है, भील जनजाति के लोग करते हैं, भगवान शिव को पुरिया कहा गया है, शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है, उत्तर नंबर 4 राई नृत्य होगा। महिला नेता जिसे भरतपुर राज्य द्वारा भरतपुर प्रजामंडल के पंजीयन की मांग के कारण जेल में डाल दिया गया? दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 3 विमला देवी होगा, क्योंकि दोस्तों कोकिला देवी अजमेर से हैं और सुशीला त्रिपाठी अलवर से हैं, तो भरतपुर की बात चल रही है तो विमला देवी उत्तर होगा। दोस्तों विमला देवी का सपोर्ट करने वाली बहुत सारी महिलाएं, सुशीला दीक्षित, दोस्तों ये त्रिपाठी है, मैं दीक्षित बोल रहा हूँ, दीक्षित, प्रियंका चतुर्वेदी, त्रिवेणी देवी, भगवती देवी, मेला देवी, यमुना देवी, दुर्गा देवी, शारदा देवी, बहुत सारी महिलाओं ने मिल करके दोस्तों ये कार्य किया था भरतपुर में। तो इसमें 63 नंबर क्वेश्चन का उत्तर नंबर 3 विमला देवी होगा। राजस्थानी भाषा व संस्कृति में डिंगल क्या है? दोस्तों काव्य शैली है, उत्तर नंबर 1 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपस में मिलान करना है, एक तरफ बोली है दूसरी तरफ जिला है, बांगड़ी हनुमानगढ़ बिल्कुल सही है। दोस्तों ये बागड़ी है न कि वागड़ी, वागड़ी होता तो डूंगरपुर बांसवाड़ा कर देते, ये वागड़ी है। जगरोती करौली में है, धावड़ी उदयपुर में है और गोडवाड़ी सिरोही में। इस प्रकार से 65 नंबर क्वेश्चन का उत्तर नंबर 2 हो जाएगा। चलिए दोस्तों 65 का उत्तर नंबर 2। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थानी की एक प्रारंभिक रचना रणमल छंद के रचनाकार, दोस्तों रणमल छंद के रचनाकार श्रीधर व्यास है, उत्तर नंबर 3 होगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीनतम मंदिर है? नाथद्वारा का श्रीनाथ मंदिर, उदयपुर का जगदीश मंदिर, आबानेरी का हरसत माता मंदिर, रणकपुर का पार्श्वनाथ मंदिर। दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 3 होगा, आबानेरी का हरसत मंदिर। ये दोस्तों 7वीं-8वीं शताब्दी का मंदिर है, जबकि बाकी के बाद में मंदिर बने थे, उत्तर नंबर 3 होगा। 67 नंबर क्वेश्चन का उत्तर नंबर 3 हरसत माता का मंदिर। दोस्तों एक तरफ सुमेलित करना है, 68 नंबर क्वेश्चन में एक तरफ भूआकृतिक प्रदेश है, दूसरी तरफ दृश्य है, मिलान करना है। मेवाड़ पर्वतीय क्षेत्र दोस्तों गिरवा उत्तर होगा, हाड़ोती का पठार मुकुंद्रा होगा, शेखावाटी प्रदेश अंतः प्रवाहित अपवा क्षेत्र होगा और गगर नाली होगा। दोस्तों इस प्रकार से इस क्वेश्चन का 68 नंबर क्वेश्चन का उत्तर नंबर 4 हो जाएगा, देखें दोस्तों चौथा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? दोस्तों गागरौन के किले में है, उत्तर नंबर 1 होगा। 70 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, कोई एक सुमेलित नहीं है, हमें उसको छांटना है।
एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ उद्गम स्थल है। साबी नदी सेवर की पहाड़ियों से है, बाण गंगा खमनोर की पहाड़ी। ये गलत है, उत्तर नंबर दो होगा। बाकी दोस्तों सोम बीछा मेड़ा है, कांतली खंडेला है। 70 नंबर क्वेश्चन का उत्तर नंबर दो खमनोर नहीं होगा दोस्तों, बाण गंगा उत्तर नंबर दो होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों 71 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। बंद बारेठा भरतपुर में है, तालाब साई धौलपुर में है, गलता जयपुर में है, लेकिन गड्डी सर जोधपुर में नहीं है, गड्डी सर जैसलमेर में है। कहाँ है दोस्तों? जैसलमेर में। 72 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्न में से कौन से जिले 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में अवस्थित है? नीचे दिए गए कूट का चयन करते हुए बताइए दोस्तों। 50 सेंटीमीटर से इधर है चूरू और हनुमानगढ़, ये दो ही है और बाकी नहीं है। तो इस प्रकार से बी और सी के हिसाब से उत्तर नंबर तीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? दोस्तों जरगा उदयपुर में है, रघुनाथगढ़ सीकर में है, कुलंबलगढ़ राजसमंद में है, कामनाथ सिरोही में नहीं है। उत्तर नंबर दोस्तों दो होगा, कामनाथ नहीं है दोस्तों, ये कमलनाथ की पहाड़ियाँ हैं जो उदयपुर में है। 73 नंबर क्वेश्चन का उत्तर नंबर दो होगा। 74 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सतही जल द्वारा मृदा प्रदर्शन से सर्वाधिक प्रभावित है? सर्वाधिक प्रभावित है चंबल प्रदेश, उत्तर नंबर दो होगा। दोस्तों मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि आपका समय खराब हो, क्योंकि आपके एग्जाम है, कल भी है, परसों भी है, और आप आंसर की चेक करेंगे, तो मैं नहीं चाहता कि आपका समय ज़्यादा खराब हो, इसलिए मैं जल्दी जल्दी उत्तर बता रहा हूँ। आप अपने आंसर की मिला करके फुली कॉन्फिडेंस के साथ आगे वाले पेपर देंगे और निश्चित तौर पर आप इस बार कॉलेज लेक्चरर बनेंगे। चलिए दोस्तों 74 नंबर क्वेश्चन का उत्तर नंबर दो हो गया। राजस्थान का 75 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान का एकमात्र जिला जहाँ पाइराइट के भंडार है, पाइराइट के भंडार सीकर दोस्तों, और सीकर में भी कहाँ है? सलादीपुर गाँव में। सीकर में भी कहाँ है? सलादीपुर गाँव में। उत्तर नंबर तीन होगा दोस्तों, पाइराइट सीकर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में जेट्रोफा आधारित बायोडीजल प्लांट राजस्थान के अंदर कहाँ है? झामर कोटड़ा उदयपुर में है दोस्तों। 76 नंबर क्वेश्चन का उत्तर नंबर एक होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, 77 नंबर। निम्नलिखित जिला समूह में से किस में सालर दोस्तों, सालार या सालर के वन पाए जाते हैं? दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर उत्तर नंबर तीन होगा, अलवर चित्तौड़ उदयपुर सिरोही, तीसरा उत्तर सही होगा। दोस्तों राजस्थान के उदयपुर में, राजसमंद में, चित्तौड़ में, सिरोही में, अजमेर में और अलवर में, जयपुर में दोस्तों क्या मिलते हैं? सालर के वन वृक्ष मिलते हैं, जिसे बोस वालिया सेराता कहते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन का उत्तर नंबर तीन होगा। 78 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जिला ग्रामीण लिंगानुपात 1000 से अधिक है? दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर चार पाली होगा, पाली में 1003 लिंगानुपात है ग्रामीण, जबकि दोस्तों शहरी लिंगानुपात 1000 से ऊपर किसी का भी नहीं है। उत्तर नंबर इसका चार होगा। 79 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान में 2001 से 2011 में ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या का दशकीय परिवर्तन प्रतिशत बताना है? दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर एक होगा, ग्रामीण है 19% और नगरीय है 29%, उत्तर नंबर एक होगा। चलिए दोस्तों किस क्षेत्र में रोटू संरक्षित क्षेत्र है? नागौर में, बीकानेर, जोधपुर, झुंझुनू। दोस्तों उत्तर नंबर एक नागौर होगा, नागौर में है। 81 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? दोस्तों ऊँट नाचना है, भैंस मैसाना है, बकरी नाली नहीं है। दोस्तों नाली भेड़ होती है, क्या होती है? भेड़ होती है, जबकि खेरी भेड़ बिल्कुल सही है। इस प्रकार से 81 नंबर क्वेश्चन का उत्तर नंबर तीन, बकरी नाली बकरी नहीं, नाली भेड़ होती है, ठीक है। 81 नंबर क्वेश्चन का उत्तर नंबर तीन होगा। चलिए दोस्तों 82 नंबर क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, मक्का राजस्थान के मुख्यतः कौन से भाग में उत्पादित होता है? दोस्तों मक्का राजस्थान के दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी राजस्थान में होता है। 82 नंबर क्वेश्चन का उत्तर नंबर तीन होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भीखाभाई सांगवाड़ा नहर राजस्थान में निम्न में से किस नदी पर बनाई गई है? दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर तीन माही होगा, माही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 84 नंबर, एक तरफ उद्योग है और दूसरी तरफ अवस्थित जिले का नाम है जो सुमेलित नहीं है, उसे हमें छांटना है। स्टेट वुलन मिल चूरू नहीं है दोस्तों, यही गलत है, बाकी सारे सही है। सीमेंट मोडक है, सूती वस्त्र ब्यावर है, पानी के मीटर जयपुर है। 84 नंबर क्वेश्चन का उत्तर नंबर एक होगा। 85 नंबर क्वेश्चन, ज्वार सागर वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान के मुख्यतः कौन से जिले में अवस्थित है? दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर एक चित्तौड़गढ़ होगा। 85 नंबर क्वेश्चन का उत्तर नंबर एक होगा। 86 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में किस वर्ष में अकाल सूखा से प्रभावित गांवों की संख्या अधिकतम थी? दोस्तों बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। 91-92 में राजस्थान के 30 जिले अकाल और सूखा से ग्रस्त थे और इनके गांवों की संख्या थी 30,041 गांव, जबकि दोस्तों 2002 और 2003 में राजस्थान के 32 जिले अकाल और सूखे से ग्रसित हो गए थे और यहां पर लगभग 40,990 यानी लगभग 41,000 गांव सूखे में से प्रभावित थे। 86 नंबर क्वेश्चन का उत्तर नंबर चार होगा दोस्तों, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। 86 नंबर क्वेश्चन का उत्तर नंबर चार होगा। अगला क्वेश्चन है, रंगाई और छपाई उद्योग के कारण निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला जल प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभावित हुआ है? दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर एक पाली होगा।
क्या होगा? पाली। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, सही नहीं है? अनुच्छेद 153 राज्यपाल का पद बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 154 राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल को पद से हटाया जाना बिल्कुल सही है। सॉरी यही गलत है दोस्तों, यही गलत होगा, उत्तर नंबर 3 होगा। बाकी 156 राज्यपाल की पदावधि सही है। 88 नंबर क्वेश्चन का उत्तर नंबर 3 होगा। 89 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा जिला मूंगफली उत्पादन में अग्रणी है? दोस्तों मूंगफली उत्पादन में अग्रणी जिला बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, चूरू। दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 1 बीकानेर होगा। क्या होगा? बीकानेर। दोस्तों ईमानदारी से बताओ, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा? इतना गजब का पेपर था, इतना शानदार। अब दोस्तों आपको किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर ज़िंदगी में जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने छोटे भाई बहनों को एक ही बात बताओगे, केवल और केवल गुरु ज्ञान पब्लिकेशन, और आपका बड़ा भाई का नाम जरूर बताओगे, संतोष बिश्नोई। आपको मेरी सौगंध है, बड़े भाई की सौगंध है, याद रखोगे ये बात। दोस्तों ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं देखो पूरा पेपर तो नहीं कह सकता, 5-10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मेरी नज़र में नहीं आए थे, बिल्कुल मैं मानता हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं हार मान जाऊँ। दोस्तों 80 और 90 के बीच में क्वेश्चन मैंने कराए हैं इस पेपर में, 80 से 90, ये मैं दावा करता हूँ, और आप सबको, आप इसके गवाह हो, आप सब इसके गवाह हो। 89, ये तो हो गया बीकानेर। 90 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष रह चुके हैं? दोस्तों ओपी मेहरा उत्तर नंबर 1 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राजस्थान में राज प्रमुख संस्था समाप्त कर दी गई है? दोस्तों सातवां संविधान संशोधन 1956 होगा। दोस्तों एक छोटे सी रिक्वेस्ट है, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर लिखोगे, और प्लीज़ आज शेयर करोगे, 2 मिनट समय निकाल लेना, क्योंकि मुझे पता है आपका कल पेपर है, आपके पास समय नहीं है, लेकिन फिर भी अपने बड़े भाई के लिए 2 मिनट समय निकाल लेना प्लीज़। ठीक है, चलिए 91 नंबर क्वेश्चन का उत्तर नंबर 2। 92 नंबर क्वेश्चन होगा, 2020 में राजस्थान के राज्यपाल ने कितने अध्यादेश प्रख्यापित किए? दोस्तों उत्तर नंबर 2 8 होगा, 8। और 93 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से तीन या अधिक बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं? दोस्तों मोहनलाल सुखाड़िया 4 बार, भैरव सिंह से कहावत 3 बार, हरिदेव जोशी 3 बार, अशोक गहलोत 3 बार, उत्तर नंबर 3 होगा। दोस्तों चलिए 93 नंबर क्वेश्चन का उत्तर नंबर 3। 94 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? 1952 में राजस्थान विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 160 थी, बिल्कुल सही है। राजस्थान विधानसभा में प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम पहली बार 1956 में निर्मित किए गए, बिल्कुल सही है। राजस्थान विधानसभा की 18 स्थायी समितियाँ हैं, जिनमें से 4 वित्तीय समितियाँ हैं, ये भी सही है। दोस्तों ये तीनों सही है, बिल्कुल तीनों ही सही है, उत्तर नंबर ए बी और सी। 94 नंबर क्वेश्चन का उत्तर नंबर 3 होगा। क्या होगा? दोस्तों ए बी और सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण से पूर्व निम्नांकित में से कौन प्रारंभिक राजस्थान की लोकतांत्रिक सरकारों में मुख्यमंत्री नहीं रहे? दोस्तों सोगो मणि को लाल हीरो, सोगो मणि को लाल हीरो, शोभाराम कुमावत, गोकुलाल असावा, माणिकलाल वर्मा, हीरा लाल। इस प्रकार से ये प्रधानमंत्री बने थे। और दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 3 भोगीलाल पंड्या होगा। ये मेरे वीडियो में मैंने बहुत बार बताया दोस्तों, ठीक है, मेगा वीडियो में 25 घंटे वाले में बहुत बार बताया, भोगीलाल पंड्या होगा। ठीक है, 95 के बाद 96 राज्य के मुख्य निर्वाचन न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के द्वारा की जाती है? दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श कर राष्ट्रपति द्वारा। 96 नंबर क्वेश्चन का उत्तर नंबर 1 होगा। 96 नंबर क्वेश्चन का उत्तर नंबर 1 होगा। 97 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नांकित में से किस तारीख को राजस्थान उच्च न्यायालय के नियम 1952 प्रभावी हुए? दोस्तों राजस्थान उच्च न्यायालय के नियम 1952 में प्रभावी हो गए थे 1 अक्टूबर 1952 को, उत्तर नंबर 2 होगा। 98 नंबर क्वेश्चन है, 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे? प्रोटेम स्पीकर यानी अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों गुलाब चंद कटारिया उत्तर होगा, 98 नंबर क्वेश्चन का उत्तर नंबर 3। और 99 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग की निम्नांकित में से कौन सी पूर्व महिला सदस्य संघ लोक सेवा आयोग की भी सदस्य रही है? दोस्तों श्रीमती कांता खतूरिया, श्रीमती कमला भील, श्रीमती प्रकाशवती शर्मा, श्रीमती दिव्या सिंह। दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर क्या होगा?
कांता खतुरिया और नंबर दो प्रकाश वती शर्मा। एक और तीन के हिसाब से उत्तर नंबर क्या हो जाएगा? 4। दोस्तों ये बिल्कुल सही है। और अंत में क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान उच्च न्यायालय के जिन न्यायाधीशों को 29 अगस्त 1949 को शपथ दिलाई गई उनमें से कौन सुमेलित नहीं है? दोस्तों लाला नवल किशोर जोधपुर, न्यायमूर्ति जवान सिंह राणावत कोटा, ये गलत है। दोस्तों यहाँ कोटा के कौन थे? जवान सिंह राणावत नहीं थे, यहाँ था खेमचंद गुप्ता। क्या होगा? खेमचंद गुप्ता होगा। इस प्रकार से दोस्तों 100 नंबर क्वेश्चन का उत्तर नंबर 2 होगा, बाकी सारे सही है। दोस्तों ये था आज का ये पेपर और इसकी इस आंसर की, और मुझे लगता है राजस्थान में इतनी सटीक और इतनी ज़बरदस्त और शानदार आंसर की कोई नहीं लेकर के आ सकता, ये आप भी जानते हो। और अब दोस्तों जैसे ही मैं आंसर की डाल दूंगा, थोड़ी देर के बाद में राजस्थान के तमाम लोग आंसर की लेकर ज़रूर आएंगे। दोस्तों कोई बात नहीं है, वो भी हमारे भाई है। दोस्तों दोनों हाथ मिलाने से ही ताली बजती है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि वो मेरे वीडियो देख करके आंसर की बनाएंगे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों जिस प्रकार से हमने मेहनत की, जिस प्रकार से हमने कड़ी तपस्या की, जिसका रिजल्ट आपके सामने, आज का पेपर कैसा रहा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपके कितने नंबर बन रहे हैं नेगेटिव मार्किंग के बाद, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि मैं आपको कट ऑफ बता सकूं कि जीके वाले पेपर में कट ऑफ क्या जाएगी। पर दोस्तों अंत में एक बात कहना चाहूँगा, कॉलेज लेक्चरर के विद्यार्थियों के अलावा कोई और भी विद्यार्थी यदि मुझे सुन रहा है, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप अपने छोटे भाई बहनों को सबको बताएंगे कि राजस्थान के अंदर एकमात्र ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ कड़ी मेहनत करवाई जाती है और सारे के सारे क्वेश्चन RPSC में पढ़ते हैं, ये बात आज आप बताओगे। नंबर एक। नंबर दो, अपने छोटे भाई बहनों को जो भी जानकारी है सबको गुरु ज्ञान पब्लिकेशन का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कराओगे। दूसरी बात, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, ध्यान रखना। मुझे याद है जब मैं आर्थिक समीक्षा के कुछ वीडियो डाल नहीं पाया कई दिन, तो मुझे गालियाँ निकालते थे आप लोग। मुझे याद है रात को 1 बजे भी कई छोरे गालियाँ निकालते थे, बोलते थे गुरुजी आप ही औरों की तरह हो गए हो, आप भी हमारा नहीं सोचते, पता नहीं कैसे कैसे बोलते थे। दोस्तों मैंने दिन रात तपस्या करके आपके लिए मैटर तैयार किया, सारे क्वेश्चन आ गए, ठीक है ना। अब एक बात तो ये है, दूसरी बात है आप सब विद्यार्थी जिन्होंने वीडियो देखा और वीडियो के माध्यम से लाभान्वित हुए, आज के पेपर में आपने देखे सारे प्रश्न, अब आप प्ले स्टोर पर जाकर गुरु ज्ञान पब्लिकेशन का ऐप जो है वहाँ पर अपने विचार लिखोगे, रिव्यू दोगे और अपना स्टार रेटिंग दोगे, ताकि दूसरे लोग भी देख करके यहाँ आ सके। मैं चाहता हूँ कि राजस्थान के गरीब तबके के विद्यार्थी, कड़ी मेहनत करने वाले विद्यार्थी इस प्लेटफॉर्म से जुड़े और फ़ायदा उठाएं। दोस्तों इसके लिए आप मेरे माध्यम बनेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों और बहनों को शेयर करेंगे और बताएंगे। दोस्तों अंत में एक बात कहूँगा, प्लीज़ आज अपने नंबर भी बताओ, कितने सही हो रहे हैं कितने सही नहीं हो रहे हैं। हाँ यदि आपके 60 और 60 से ऊपर नंबर बन रहे हैं तो नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा पेपर गया आपका, फिर भी आप नंबर मुझे बताओगे ताकि मैं कट ऑफ बता सकूँ। दोस्तों इंतज़ार रहेगा आपका और आपके विचारों का, आपने दोस्तों आपके मन में क्या चल रहा है हमारे इस पेपर के बारे में, और मैंने जो सपोर्ट किया आपका बड़े भाई होने के नाते, और आपने सबने मेरे वीडियोज, मेरे जो स्टडी मटेरियल है उसका लाभ उठाया, प्लीज़ आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा, आपके कमेंट्स का मैं इंतज़ार करूँगा, और इन्हीं शब्दों के बाद साथ वाणी को विराम देता हूँ। बहुत खुशी हुई और बहुत मज़ा आया इस पेपर को देखने के बाद। चलिए दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, आगे आपके और भी पेपर है उनके लिए आप सबको मेरी ओर से बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, शुक्रिया।